असम मिजोरम की सीमा पर एक बार फिर तनाव देखा जा रहा है। इस बार हैलाकांदी के असम मिजोरम सीमाई इलाके के कचूरथल में निर्माण को लेकर दोनों राज्यों के बीच तनाव बढ़ गया है। आरोप है कि असम की सीमा में मिजोरम की ओर से एक पुलिया का निर्माण किया जा रहा है। घटना रामनाथपुर थाने के अंतर्गत है। वहीं घटना की सूचना मिलने के तुरंत बाद हैलाकांदी के जिला उपायुक्त रोहन कुमार और पुलिस अधीक्षक गौरव उपाध्याय मौके पर पहुंचे। उधर मिजोरम के कोलासिब जिला उपायुक्त ने इस मामले को लेकर हैलाकांदी के अपने समकक्ष को पत्र लिखकर स्थिति से अवगत कराया। कोलासिब डीसी ने आरोप लगाया कि असम पुलिस ने मिजोरम के बैराबी थाना अंतर्गत जोफाई में पुलिया के निर्माण कार्य को बाधित किया है। उन्होंने कहा कि यातायात सुविधा के लिए इस पुल का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि असम पुलिस घटना स्थल से निर्माण सामग्री भी चुरा कर ले गई है। इस संदर्भ में बैराबी थाने में एक मामला दर्ज किया गया है। 20 अगस्त 2021 में रामनाथपुर थाने में एक रिपोर्ट मिला कि कचरतुल एरिया में एक अनऑथराइज्ड कलवर्ट का कंस्ट्रक्शन मिजोरम कर रहा है। इमीडिएटली हमारी पुलिस और पेट्रोलिंग पार्टी ने वहां पे जाके चेक किया और जो भी अबेंडेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल था उसको सीज कर लिया और एक जीडी एंट्री ले ली। इसको लेके मिजोरम की पुलिस ने एक बहुत ही एग्रेसिव स्टैंड लिया और नेक्स्ट डे विच इज़ 21 अगस्त मिजोरम के साइड में 30-40 मिजोरम IRBN के जवान उन्होंने वहाँ पे आके पोजीशन लिया और उनमें से 4-5 जवान असम साइड में कलवर्ट के आके पोजीशन लेना शुरू किए जो कि इल्लीगल था। इसीलिए कल सारे सीनियर ऑफिसर्स और पुलिस फोर्स के साथ हम लोगों ने कचूरथल की तरफ मार्च किया और जब हम वहाँ पहुँच रहे थे उसके बाद फिर दोनों सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने डिस्कशन किया और मामला डीएस्केलेट हुआ, फिर फोर्सेस विड्रॉ हो गई। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। यूनियन होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरीज ऑफ बोथ द स्टेट्स इनकी एक मीटिंग आज बुलाई गई है जैसा मुझे पता चला है, तो होपफुली उसमें इसका कुछ रेजोल्यूशन निकलेगा।